80 साल के अमिताभ बच्चन ने खुद बताया था कि उनका 75% लीवर खराब हो चुका है और अब वे 25% लीवर पर ही जिंदा हैं। दरअसल अमिताभ बच्चन जब फिल्म कूली के एक सीन की शूटिंग कर रहे थे तब उनके पेट में चोट लग गई थी, जिसकी वजह से उनको काफी ब्लीडिंग हुई थी और उनके शरीर में खून की कमी हो गई थी, जिसके बाद अमिताभ बच्चन को काफी खून चढ़ाने की जरूरत पड़ी थी। अमिताभ बच्चन को खून देने के लिए लोगों की लाइन लग गई थी। इसी दौरान करीब 200 डोनर्स ने अपना खून दिया था। इसी बीच एक लापरवाही हो गई और अमिताभ बच्चन को हेपेटाइटिस बी संक्रमित शख्स का खून चढ़ा दिया गया, जिसके बाद अमिताभ बच्चन भी हेपेटाइटिस बी से संक्रमित हो गए थे। कूली के सेट पर हुए हादसे के बाद अमिताभ बच्चन पूरी तरह से ठीक हो गए थे, लेकिन इसके बाद साल 2000 में उनके पेट में तकलीफ हुई। इसके बाद अमिताभ बच्चन को पता चला कि उन्हें लीवर सिरोसिस नाम की बीमारी हो गई है। लीवर सिरोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें लीवर धीरे धीरे खराब होने लगता है और ठीक तरह से काम नहीं कर पाता। कई बार इस बीमारी का पता नहीं चलता। लीवर खराब होने की सबसे बड़ी वजह हेपेटाइटिस बी भी हो सकती है। अमिताभ बच्चन ने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि हेपेटाइटिस बी के इन्फेक्शन ने उनके लीवर को खराब कर दिया है। ये बात उन्हें 18 साल बाद पता चली थी, जिसके चलते 2012 में लीवर का 75% संक्रमित हिस्सा काटकर अलग कर दिया गया। बिग बी अब सिर्फ 25% लीवर के सहारे जिंदा हैं।